नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का। सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें परिषदीय विद्यालयों की बाउंड्री वॉल को बनाने का निर्देश दिया गया। मालूम हो कि कोरोना महामारी के चलते सभी विद्यालय बंद पड़े हैं, वहीं बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थनगर में विद्यालय खोला गया और सभी बच्चों को बुलाकर किताबें दी गई और कहा गया कि सभी घरों में रहकर पढ़ाई करें। वहीं उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमने डेस्क बोर्ड तैयार कर लिया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुचित वर्मा की रिपोर्ट। मैं किसी भी जिले में सामान्यतः दौरे पर जाता हूँ तो समीक्षा करता हूँ। सिद्धार्थनगर में हर सप्ताह आता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि महीने दो महीने पर एक बार समीक्षा हो जाए। आज बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक थी, जिसमें जिलाधिकारी CPO DPRO की हमारा जो ऑपरेशन कायाकल्प है या यूनिफार्म है या मिड डे मील है, उसकी मॉनिटरिंग के सारे अधिकारी करते हैं और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और उससे ऊपर के सभी अधिकारी DSA सारे जिला समन्वय अलग अलग जो कंपोनेंट है उसकी एक मुख्य रूप से ऑपरेशन कायाकल्प की। अभी जो स्कूल बंद रहे लॉकडाउन के दौरान, उसमें बच्चों के अभिभावकों तक जो राशन भेजना है और उनका कन्वर्जन कास्ट का पैसा उनके अभिभावकों के खाते में डालना है, ऑनलाइन क्लासेस की स्थितियों को लेकर किताबें हमारी आ गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि बच्चों के घर तक किताबें पहुँचें ताकि छुट्टियों के दौरान भी वो पढ़ाई कर सकें। समय से स्कूलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को इस बार ड्रेस बनाने में इन्वॉल्व किया गया है ताकि अधिक से अधिक गाँव की महिलाओं को रोजगार मिल सके उसकी प्रगति के बारे में। और जब भी स्कूल खुलेगा आने वाले दिनों में, जैसा भारत सरकार का निर्देश होगा, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी हो, पूरे जिले के स्कूलों की स्थिति बेहतर हो, ऑपरेशन कायाकल्प के जो मानक हैं वो पूरे हों, फर्नीचर की स्थिति ठीक हो, बिजली की स्थिति ठीक हो, इन सब मामलों को लेकर के सक्षम। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करने के लिए सेवा सत्याग्रह अभियान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगातार चलाया था। वैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला और तहसील के बाद ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की महंगाई को कम करने सहित चार बिंदुओं पर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। बता दें कि जिले के बांसी के खंड विकास अधिकारी को कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष ने बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए बांसी में पैदल रैली निकालकर वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण गोपाल चौधरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुचित वर्मा की रिपोर्ट। कि डीजल और पेट्रोल जिस तरह बढ़ रहा है, पिछले 3 महीने से जिस तरह लॉकडाउन है और आम इंसान पहले से ही परेशान है और गरीबों को इस तरह सताया जा रहा है डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाकर, वैसे ही कमर तोड़ मांगाई है पहले से, तो इसलिए अगले 24 तारीख से हम लोग डीजल और पेट्रोल की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तहसील में ज्ञापन, ब्लॉक में ज्ञापन, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर ये अपना मांग को अपना ये चीज़ों को वापस नहीं लिए तो हम लोग आगे जाएंगे इसको लेकर। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक पहला में खेतों में बेसहारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाली कांटेदार ब्लेड वाली तार प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही है। गौरतलब है कि पशुओं को होने वाले नुकसान को देखते हुए इनकी बिक्री पर सरकार ने रोक लगा रखी है, तो वहीं किसानों ने अपने खेतों में लगी फसलों की बेसहारा पशुओं से रक्षा करने के लिए खेत के चारों तरफ कांटेदार ब्लेड तार लगा रखी है। आए दिन पशु इसमें उलझ कर घायल हो जाते हैं। घायल पशुओं में सबसे ज्यादा संख्या गायों की है। गाय चारे की तलाश में रात के समय खेतों में जाती है, इन तारों में उलझ कर घायल हो जाती है। इसके कारण गौ भक्तों में काफी आक्रोश है।
गौभक्तों का कहना है कि सरकार ने कोर्ट के आदेशों पर इनकी तारों की बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखा है, पर प्रशासन इसे बंद नहीं कर रहा। वहीं गौभक्त विनीत यादव का कहना है कि इन तारों की चपेट में आकर दर्जनों गाय आए दिन घायल हो रही है, जिसमें करीब 300 जानवरों का इलाज निःशुल्क कराया है। शर्मा का कहना है कि किसानों की चिंताएं भी वाजिब हैं, परंतु फसल की सुरक्षा के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाना कहीं से भी उचित नहीं है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। सोनभद्र में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा डीजल पेट्रोल के लगातार मूल्य वृद्धि को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिले के समस्त ब्लॉकों पर दिया गया। वहीं इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रामराज सिंह गौड़ के निर्देश पर रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीडियो रॉबर्ट्सगंज को ज्ञापन देकर दाम वापस लेने की बात कही। पार्टी पूरे देश के अंदर डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि को वापस लेने की बात लगातार कांग्रेस कर रही है। वर्तमान जो देश के हालात हैं, जहां हर व्यक्ति कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, आम जीवन व्यतीत करना काफी कठिन हो गया है, करोड़ों के रोजगार जा चुके हैं, किसानी का समय है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा बेतहाशा वृद्धि करना या सीधे सीधे आम जनमानस के हितों के विपरीत है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बड़ी कीमत वापस करने की बात कर रही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुशील गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।